अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या हाल चाल हैं? तो आज हम पहुंच गए हैं अपने रैबिट्स के पास, जो भी बहुत ज़्यादा भूखे हैं और उनको अभी हमने खाना खिलाना है। तो अब हम इनको छोड़ने वाले हैं। देख सकते हैं सारे दरवाजे में बैठे हैं, वो देखें मुझे कह रहा है खोलो मुझे भूख लगी है। हाँ खोल रहा हूँ, आपको भी खोल रहा हूँ। अभी हम इनको खोलेंगे। ये देखें अब निकलेंगे बाहर सारे आहिस्ता आहिस्ता कर कर। वो उधर भी बैठे हैं अभी तक। भाई इधर से आ जाओ बाहर। हाँ इधर से आ जाओ, इधर से। आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगे, इनको खुद ही निकालना पड़ेगा। ये छोटे बिल्ली अंदर ही बैठे हैं अभी तक। हेलो मिस्टर बिगलू, सोनी से का मिला दोस्त, छूचा छूचे से दोस्त है मेरा। आपने खाना नहीं खाना? चलो आप भी बाहर जाओ। तो आप लोगों ने उठा के लेके जाना पड़ता है। चलो भाई, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, 1 2 3। चलो भाई आप भी आ जाओ, बाहर जाके जाना खाएंगे। ठीक है, ये अभी भी इधर बैठे हैं, वो तो उधर ही बैठा हुआ अपनी जगह पर। मेरे साथ आते जब मैं खाना खिलाना सिखाता हूँ। हम अपनी जगह पहुंच गए जहाँ पे इनके लिए हमने खाना रखा था। सारे खाना खा रहे हैं इस जगह पे। एक रैबिट हमारी बीमार है, इसको सुबह हमने देखा जाके आवाज़ निकालने लगी हुई थी, इंजेक्शन दिया इसको बुखार का भी, देती हुई है। और हमारा एक रैबिट और, ये देखें इसको पता नहीं क्या हुआ, दरवाजे में बैठा हुआ था लेकिन सांस ले रहा है, ऐसे बेजान लेटा हुआ है बेचारा। इसके लिए दुआ करें सही हो जाए। बस 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 ठीक है, आ रही है। उसके अलावा हमने यहाँ पे इनको अभी मेथी पालक बीच में मिक्स करके डाली हुई है, ये खा रहे हैं यहाँ पे मज़े शौक शौक से। और इसके अलावा हमने इनके लिए चारा रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये अभी थोड़ा ठंडा था तो हमने इसको धूप में रखा हुआ है ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। ठंडा चारा इनको नहीं खिलाना चाहिए, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कल हमारे दो खरगोशों की फाइट हो गई थी, जिनमें से एक अभी यहाँ पे बैठा हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शरारती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पकड़ लिया मैंने इसको, ये इस जगह पे, ये देखें ये रेड ब्लू कलर का निशान है इस जगह पे, इसको पकड़ना एक मिनट। इस जगह पे इसको ये चोट लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गहराई से इसको काटा था, ये देखें। ये देखें उंगली साइड पे करिए, ये देखें यहाँ पे इसको काटा है बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से, लेकिन ये भी बहुत शरारती है, ये आवाज नहीं आता। इसको भी उठा के बच्चे को उधर रखा हो जाके। वो दूसरा खरगोश था वो रात को खुला नहीं हुआ था, वो अब खुल गया होगा। नहीं, उसको मैंने वो बांध ही कर दिया था दोबारा से। उसके अलावा एक और हमारा रैबिट है, इनको तीन रैबिट है हमारे पास बड़े बड़े। एक तो था वो ज़ख्मी था, उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब कर दी थी, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए ये खरगोश है, इसको भी हमने अलग से बंद किया हुआ है। देखें एक जंग के दौरान इसके कान डैमेज हो गया है ना, अंदर आके हम इससे थोड़ा खेल मजाक करते हैं। चलो खाई पर जाओ। इनको हमने मुर्गियों के साथ बंद किया हुआ है शुरू से ही,
तो अब इसकी दोस्ती हुई है, इसको मुर्गे कुछ कुछ भी नहीं कहते, वरना ये सील कुकड़ इनको इसकी एक आंख डैमेज पहले से कर चुके हैं दोस्ती के दौरान। ये कहता है मेरे से दोस्ती करो, लेकिन इधर वाली ये देखें, इसको कुछ भी नहीं पता चल रहा। अब थोड़ा थोड़ा मुझे नहीं लगता कि इसको नजर आता होगा, लेकिन ये इसकी इधर वाली आंख डैमेज हुई पड़ी है जो इसमें इन्होंने ठुंगा मार दिया था, और उस तरफ वाली आंख बिल्कुल ठीक है। ये देखें यहाँ से इसको पता चलेगा। यहाँ पे हमने एक मुर्गी रखी हुई है, एक दूसरी मुर्गी भी रखी हुई है, ब्लैक कलर की हैं दोनों, लेकिन ये सील ही है। लेकिन ये जो हमारा मुर्गा है ये बक्का ही सील है, माशाल्लाह से इसके गोल्डन गोल्डन बाल हैं, उसके अंदर झलक पर्पल कलर की भी है, नहीं ग्रीन कलर की, डार्क और ब्लैक कलर के भी, वाइट कलर के सारे कलर हैं इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने अंडा भी दिया है एक मुर्गी ने, यहाँ पे दो अंडे होने चाहिए, एक अभी मुर्गी ने दिया है, एक ने अभी नहीं दिया। ये हमारा खरगोश बहुत ही ज्यादा शरारती है इस जगह पे, ये इस जगह पे, यहाँ पे ना ऐसे हमने पिंजरे बनाए हुए थे जाली के, तो उसमें से वो एक रैबिट कैलिफोर्नियन बाहर आ गया, तो ये न्यूजीलैंड वाइट जो था ये खुला हुआ छोड़ा हुआ था हमने, तो उसने ना इसको, इस वाले रैबिट ने इसको इतना मारा वो डैमेज हो गया, वो स्ट्रेस में आकर वहां पे बेचारा मर गया। तो फिर इसको तब से वो भी रैबिट मर गया। उसके अलावा मेरे और हमने जो कैलिफोर्नियन रैबिट रखे हुए थे वो भी बेचारे आहिस्ता आहिस्ता करके मर गए, पता नहीं क्या हुआ उनको, गर्मी की वजह से भी कुछ मर गए, कुछ के अंदर पता नहीं कुछ अजीब कलर की वाइट सी कुछ थी, पीप सी जमा हुई हुई थी, वो भी वैसी मर गई बेचारी। एक रैबिट है हमारे पास जो अभी उसको भी किसी की नज़र लगी, वो भी बेचारी अब बहुत ज़्यादा डैमेज हुई पड़ी है। मैं कल अंदर गया तो वहाँ पे ना रैबिट आधा हिस्सा किसी ने खाया हुआ था, परसों मेरे ख्याल में अंदर गया था तो परसों रैबिट ने आधा हिस्सा खाया हुआ था रैबिट का किसी चीज़ ने, तो मैंने हर जगह से चेक किया यहाँ से भी कि कहाँ से वो अंदर घुसा होगा, लेकिन यहाँ से कोई जगह भी नहीं नज़र आ रही थी, तो जो कोई इतनी इतनी सी भी जगह थी हमने उसको भी बंद कर दिया यहाँ से सारा। तो लेकिन फिर उस दिन के बाद तो अंदर कोई चीज़ नहीं गई, लेकिन ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जो काना है ना, ये वाला काना, ये किसी ने कुतरा हुआ है ये इस जगह से, तो इस पाइप से अंदर कोई जा सकता है, ये जो पाइप लगा हुआ है, लेकिन हमने अंदर जाके देखा तो वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था कि उस जगह से कोई अंदर आ सके। मैं आपको दिखाता हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्या माजरा हो सकता है कि अंदर ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन मैंने फिर भी एहतियात के तौर पे यहाँ से इसको बंद कर दिया, यहाँ पे कपड़े वगैरह रख दिए हैं, ये पाइप सीधा वो ऐसे जा रहा है वहाँ पे उस खुड्डे के अंदर, तो वहाँ से ऐसे आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा सुराख भी नहीं है कि वो बाहर आ सके, चूहा चाहे वो कोई भी चीज़ है, न्योला है या चूहा है, तो ऐसा कोई सीन नहीं नजर आया। फिर हमने कहा चलो इस जगह पे, वो मैं जब अंदर आया सुबह सुबह तो इस जगह पे वो खरगोश मरा पड़ा था, उसकी आधा धड़ मतलब पीछे वाला हिस्सा किसी ने ऐसे खाया हुआ है जैसे कोई उबाल का गोश्त, बिल्कुल साफ नहीं करते थे हड्डी वैसे खाई हुई थी। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ, और यहाँ पे उसी के चक्कर में ढूंढता यहाँ पे खड़ा हुआ था, इस जगह पे ऐसे करके खड़ा हुआ था, इस जगह पे ऐसे खड़ा हुआ था, तो यहाँ पे खरगोश नहीं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आगे पाँव रख लेता हूँ, वो डर के आगे आ गई। अब मैं इतनी लंबी छलांग मार नहीं सकता था, मैंने थोड़ा सा आगे करके पाँव रखा तो वो खरगोश नहीं मेरे पाँव के नीचे आ गई, उसका सर, तो वो पूरी घूम गई सर समेत, तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। अब हम उसको सीरीलैक इंजेक्शन के साथ खिलाते हैं, उसके नीचे वाले जो दो दांत हैं वो पीछे चले गए हैं, अब हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, देखेंगे या फिर खुद ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, और डॉक्टर से हमने फ़ोन नंबर लिया हुआ है, तो देखेंगे कि उसके दांत वापस पीछे जा सकते हैं कि नहीं। वैसे जा तो सकते हैं, लेकिन अब वो उसको मुँह को भी थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा उसको दर्द होती है। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी कंडीशन सब आया। दोस्तों इस वक्त हम उस कैलिफोर्नियन रैबिट के पास पहुंच चुके हैं, वो इस जगह पे बैठी हुई है, ये देखें इसको हमने अंदर बंद किया हुआ है,
क्योंकि ये इतना बैठना पसंद नहीं करती बाहर। इसके अलावा हमने इसको धोया था, इसके मुंह को सारे को, ये बहुत ज़्यादा गंद लगा है इसके मुंह पे। हमने खिलाया था तो सीरी लाइक, जिसकी वजह से मट्टी में भी ये बहुत गंदी हो गई थी, तो हमने इसको सारा अच्छे तरीके से धोया। ये देखें अभी भी बहुत तकलीफ़ में, इसको दर्द होती है। इस जगह का हिस्सा इसका डैमेज हुआ पड़ा है मुँह का, अल्लाह ताला इसको शफा दे। ये हमारी सबसे फुर्तीली रैबिट थी, कि किसी के काबू में भी नहीं आती होती थी, लेकिन अब बेचारी ये बेबस होके बैठी हुई है यहाँ पे, भाग भी नहीं सकती ना चल सकती है, बिल्कुल थोड़ा बहुत चलती है। ये उन कैलिफोर्नियन में से सिर्फ आखिरी रैबिट बच गई थी, जिसने 5 बेबीज दिए, उनमें से दो बच गए थे, 3 फिर डेड हो गए, मतलब 3 डेड नहीं हुए, उनमें से एक डेड हुआ था, वो भी कैलिफोर्नियन था, लेकिन जो इसने बच्चे दिए थे 3 कैलिफोर्नियन थे और 2 न्यूजीलैंड थे। तो जो 2 न्यूजीलैंड है वो हमारे वाले जो न्यूजीलैंड है, मतलब उन बच्चों में न्यूजीलैंड बेबीज में मिक्स हो गए हैं, पता नहीं वो कौन से हैं इसके बेबीज। लेकिन जो 3 कैलिफोर्नियन थे, एक बच्चा मर गया जो छोटा ही होते, और एक जो था वो क्या कहते हैं, जहाँ पे भी हम कुटे से होके आए हैं, उस दरवाजे से ऊपर चढ़ गया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ रास्ता, चले ये इधर बैठी हुई है, मैंने इसको हेयर ड्रायर से इसको बाल सुखाए हैं, आपको मैं वो रास्ता दिखाता हूँ जाके। उसे जाने से पहले मैंने कहा चलो मुर्गी बैठी है अपने बेबीज के साथ, वो भी दिखा देता हूँ। हेलो, क्या हाल चाल है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं कर रहा मैं, आप मेरी फ्रेंड हो। ये देखें माशाल्लाह से इसने 10 बेबीज निकाली हैं अंडों में से, बाकी के मेरे ख्याल में 4 अंडे डेड हो गए हैं, वो अंदर ही बेबीज ख़त्म हो गए, बू हो गई उनमें पैदा। सारे देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। अलग अलग तरह के बेबीज हैं, 2 इनमें ब्लैक हैं, एक जो है येलो कलर का वो इसका अपना है, और जो बाकी हैं सारे ही अपने हैं इसके, लेकिन हमने थोड़े बहुत 2-3 अंडे इसके किसी और मुर्गी के रख दिए थे, तो जिसकी वजह से इसमें थोड़ी चेंजेस आ गई। तो अब हम जाते उधर जहाँ से हमारा रैबिट निकला था। ये देखें दोस्तों, इस जगह से ये ऐसे बंद किया हुआ था, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से बंद था दरवाज़ा, इस तरह से भी नहीं, ये साथ जोड़ते हैं भी एक मिनट। इस तरह से बंद था, इसके कहीं से भी गुजरने का रास्ता नहीं था। यहाँ पे हमने अब बोरी दी है, इससे पहले ही यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रास्ता खाली था, ऐसे खलल था इसके अंदर पैदा हुआ। ये देखें, ये देखें ये रास्ता पैदा इधर हुआ है यहाँ पे। इस जगह से तो कोई नहीं आ सकता, क्योंकि हमने इधर शॉपर की अच्छी तरह पैकिंग की थी, लेकिन इस जगह से खतरा होता था। इधर से वो रैबिट बाहर निकल गया और किसी बिल्ले के हाथ में चढ़ गया, पता नहीं बिल्ला था नीला था क्या चीज़ थी, लेकिन उस दिन के बाद हमें वो रैबिट वापस नहीं मिला कैलिफोर्नियन का। एक अब हमारे पास फिर है, बस ओनली 1 पीस अब कैलिफोर्नियन बेबीज रह गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये आखिरी एक कैलिफोर्नियन रह गया हमारे पास, इसके कान ब्लैक हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।